अच्छा ये बात होती है जब लाइफ इंश्योरेंस की तो हर कोई चाहता है कि उनके पास पर्याप्त कवर हो क्योंकि उनके ना रहने पर या उनके जाने के बाद जो आर्थिक जिम्मेदारियां होती हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो या अगर आपको कोई अपना होम लोन चुकाना हो या अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना हो लाइफ इंश्योरेंस बहुत अहम कवर होता है इनफैक्ट जब आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करते हैं पहला पड़ाव उसमें पहला कदम जो होता है अपने पर्याप्त लाइफ इंश्योरेंस लेना होता है और ये तो वो लोगों के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है जो एक लौटिक कमाने वाले हैं अपने परिवार में तो लाइफ़ इंश्योरेंस के महत्व को हम कैसे समझें कौन सा प्रोडक्ट सही होता है लाइफ इंश्योरेंस के दायरे में बहुत सारी तरह की पॉलिसीज़ यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस के नाम पर बेची जाती हैं लेकिन ऐसे में आपके लिए कौन सी सही है और जब आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो उसका कितना कवर होना चाहिए किस किस तरह के रिस्क हैं जो कवर सुनिश्चित आपको करना चाहिए कि उस पॉलिसी के तहत कवर हो इन तमाम मुद्दों पर हमने विस्तार से बातचीत की सुरेश बदामी डिप्टी एम डी लाइफ के साथ आइए इस बातचीत को सुनाते हैं सुरेश बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय निकाला हमारी इस बेहद ख़ास पेशकश के लिए और इंश्योरेंस एक ऐसा मुद्दा है जिसको हम फाइनेंशियल प्लानिंग या आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से अलग नहीं रख सकते हैं भले ही बहुत लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस को अलग अलग होना चाहिए प्रोडक्ट्स भले ही आप अलग अलग ले लें लेकिन वो कॉन्सेप्ट एक आपके पोर्टफोलियो में साथ में जाता है बहुत बेसिक सा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है इसका महत्व क्या होता है तो कविता ऐसा नहीं है कि यू you नो know, जब हम बड़े हुए हमको लाइफ इंश्योरेंस क्या है समझ में नहीं आया हाँ. आई थिंक तो बड़ा सिंपल सा फंडा है इसमें कि अगर आपको थोड़ी इनकम मिलती है राइट right? जिस इनकम के भरोसे आपकी फैमिली सरवाइव कर रही है आपका रेगुलर इनकम आ रहा है इफ़ समथिंग वर टू हैपन टू यू वन हाउ विल योर फैमिली भी टेकन केयर ऑफ जी राइट right? नाउ अगर आप मान लीजिए आप थर्टी फाइव ईयर्स के हैं फोर्टी ईयर्स के हैं एंड नो योर फैमिली इज डिपेंडेंट ऑन यू एंड यू हैव अनदर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ वर्क लेफ्ट वेर यू विल अर्न द बेसिक आइडिया इज़ टू प्रोटेक्ट यूर फैमिली टू से कि अगर आपको कुछ हो जाए तो उनका एजुकेशन उनका घर उनकी you know, उनको ज़्यादा अफेक्ट ना हो तो जो सिम्पलेस्ट प्रोडक्ट अभी इंश्योरेंस में है इट इज़ अ सिंपल टर्म प्रोडक्ट राइट टू आप इतना कवर लीजिए और इतना आप साल का भरिए और अगर आपको कुछ हो जाएगा आपके फैमिली को ये लमसम मिल जाएगा राइट दैट इज अ प्रोडक्ट विच आई बिलीव एवरीबडी शुड ये हर में होना चाहिए राइट right? और उसके भी सारे न्यूएंसेस होते हैं हुँ. ऐसा नहीं है कि यू नो यू नीड टू ऑलवेज बाय लाइफ इंश्योरेंस बिकॉज यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इनकम राइट नाउ वी विल फाइंड की डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट्स हैं कस्टमर्स की राइट right? तो अभी लोग हैं जो देख रहे हैं कि अगर मेरे को कुछ हो जाए तो एजुकेशन वो सब टेक केयर हो जाएगा थर्टी फाइव बट एट फिफ्टी फाइव सिक्सटी इफ यू सेव्ड अनफ मनी डू यू रियली नीड टू बाई लाइफ इंश्योरेंस एज अ टर्म प्रोडक्ट मे बी नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज यू ऑलरेडी कवर्ड द इनकम दट यू टू डू इफ यू हैव इनफ सेविंग्स बट देन आर पीपल हु मे टू लुक एट लेगेसी बिकॉज आई नीड सर्टन मनी कि मैं 50 से 80 तक अपना खर्चा कर पाऊँ उतना मेरे काफ़ी सेविंग्स हुआ है एंड लाइक आई मैंशन नॉट एनफ पीपल हैव सेव्ड इनफ फॉर दी ओल्ड एज एंड देन इफ समथिंग वट टू हैपन टू यू यू वॉन्ट टू लीव समथिंग फॉर योर चिल्ड्रन कि अब मतलब यू नो कुछ छोड़ के जाओ सो दैट दे डोंट हैव टू स्टार्ट ऑल सो दैट्स अ बेस द सेकेंड सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स उसमें क्या होता है कि यू हैव गोल बेस्ड प्रोडक्ट्स ना ऑब्वियसली यू कैन इन्वेस्ट इन अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ईच वन ऑफ अस यू नो यू प्रॉब्ली बाई लिटल गोल्ड बिकॉज इंडिया में गोल्ड है एंड इवन नाउ इन इंडिया एट्टी परसेंट ऑफ द पीपल बिलीव कि लाइफ इंश्योरेंस इज अमॉंग टॉप थ्री प्रोडक्ट्स है दे शुड इन्वेस्ट इन बट दैन देर आ म्यूचुअल फंडस यू हैव सीन वट्स हैपनिंग ऑन डी मैट यू हैव सीन आज की डेट में एस आई पीस इंडिया में कितनी बढ़ रही हैं लोग आके ले रहे हैं देन देर आर अदर फिक्स डिपोजिट्स में जाते हैं वॉट रियली यू नीड टू डू इज कि आपका अगर पोर्टफोलियो हंड्रेड का है तो आप अपना फाइनेंशियल एलोकेशन कैसे करते हैं कि उसमें लाइफ इंश्योरेंस इज ऑल्सो प्रोडक्ट और लाइफ इंश्योरेंस जो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स प्रोडक्ट्स हैं दो तीन टाइप के हैं उसके भी एडवांटेजेस हैं लाइक वी मैंशन ऑब्वियसली अर्लियर देर यूज टू बी टैक्स एडवांटेजेस एंड लॉट ऑफ पीपल यूज टू बाई लाइफ इंश्योरेंस बट एक चीज़ है लाइफ इंश्योरेंस की लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन सेविंग्स रहती है और दूसरा लाइक सम ऑफ द अदर प्रोडक्ट देर इज़ ऑलवेज अ कवर अटैच सो इट्स रियली नॉट टू से यू नो यू आर ओनली लुकिंग एट इंटरेस्ट आपको जो अर्निंग्स जो आई उसमें से उसमें देर इज़ ऑल्सो अ कवर दैट यू गेट वेदर इज अ टेन एक्स कवर और अ मल्टीपल कवर सो दीज आर प्रोडक्ट्स विच आर एक्चुअली प्रोटेक्टिंग द गोल जो आप सोच रहे हैं कि यू you नो know, इतने साल बाद दस साल बाद पंद्रह साल बाद अगर मेरे को लड़की को कॉलेज भेजना है तो उसके लिए मेरे पास पैसे हैं कि नहीं द थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज द होल रिटायरल पार्ट राइट विथ विच ट्रीली हैपन्स सो देर इज एन एक्यूमिनेशन फेज वेर यू आर कलेक्टिंग मनी एंड देन देर इज एंड फेज दैन यू रिटायर ऑन हाउ यू एक्चुअली कंज्यूम द मनी नाउ आज की डेट में इंडिया इज चेंजिंग राइट पहले क्या होता था कि uh, ज्वाइंट फैमिलीज तो कोई ना कोई आपके ध्यान देख लेगा इन दर इज ऑलवेज समी टू हेल्प फैमिलीज आर गेटिंग न्यूक्लियर राइट सेकेंड एक्सपेंसिस आर गोइंग अप थर्ड पीपल आर लिविंग लॉन्गर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नो क्या होता था पहले 60 62 में आप रिटायर करते थे गवर्नमेंट से पेंशन मिलती थी यू लिव कंफर्टेबल नाउ पीपल इट इज इंक्रीजिंग सेकंड देयर इज नॉट सपोर्ट सिस्टम जो घर पे पहले होता था uh, बच्चे बाहर हैं बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं uh, आपको अगर ओल्ड uh, एज में हेल्प चाहिए तो आपको फुल टाइम अटेंडेंट चाहिए राइट ऑल बिल्डिंग अप इनफ़ And have you made sure that you have regular annuity stream coming in so that your regular Karcha. So do you invest in products mm -hmm. which tomorrow give you an annuity stream mm -hmm. right? So basically teen type K we'll products hain which cater to different needs of your yeah. So, and, and all three are important at different stages right So you may want to have term cover till such a stage you are sure that your income is protected mm -hmm. right. Uh, and you know, as hai ki millennial ko I mean your parents may depend on you over a period of time. Or well, the younger generation. You know, I'm saying the younger generation may say, you know, I don't need anyone, I don't have dependent. But you know, maybe you want to if something were to happen to you, at least your parents are taken care of. So that is something you do. On the other side, if you're older, you may want to uh, keep the money that you have for yourself and make sure that there is some legacy that you leave. In fact, it was a interesting case study, and I must say it because you know, even for me it came as a surprise. Because normally you find that after a certain savings level, right, you will find that um, you don't really need a term cover. Right? Because what is it that you are protecting? Ha. Ha. Uh, so there was this wealth customer I met initially when I had come into insurance, and they were looking like a 100, 150 crore cover. Hmm. right? And, and the question was that was, why do you need this kind of cover when you are fairly wealthy? a requirement huh family business, I think the daughter wanted to run the family business. The son was not interested. Right. And he effectively said, "If something were to happen to me, I don't want to, uh, them to be fighting over the family business." So he really covered himself like legacy planning, if something were to happen to me, this person gets hmm. the, the son gets the money and the daughter gets the business, and you know everything looks fine. Now, when you get into nuances like this right there is a lot that you can do exactly so you can you can have women based products you can have products which are based for self employed people Haan. you have uh, products which are built for legacy planning you have do it yourself kind of products where you come back and say mereko ye benefit chahiye feature nahi chahi so there's a lot of innovation which happens so it is Yes, it is good to have a simple, plain vanilla product which everybody understands. But based on requirements, you will find this. There are step-up. Somebody will say, Ki, agar kuch fua, jo paisa aega, my family may not be able to take care of that money at one go. So, so really structure a product which gives you regular income over a period of time. Hmm. Structure a product which gives you regular income with step-up. Hmm. पाँच साल में इन्फ्लेशन के लिए आप प्लीज़ उसको मैं उसी पर आ रही थी क्योंकि हाँ। भले ही हमने तीन खाकों में इसको डिवाइड किया है और सेविंग और कमाई बचत कमाई बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपके पूरे फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का अगर इस तरह का पोर्टफोलियो मुझे इंश्योरेंस के इर्द गिर्द बनाना हो तो बचत का तो पहलू आ गया है टर्म प्लान में लेकिन जब कमाई की बात आती है और अक्सर फाइनेंशियल पोर्टफोलियो होने का एक बेसिक महत्व ये होता है कि आपकी जो कमाई है वो महंगाई को मात दे महंगाई बढ़ती हुई महंगाई से ज़्यादा आपकी कमाई होनी चाहिए अब इस एस्पेक्ट को इंश्योरेंस कंपनियाँ या अगर मैं आप ही की कंपनी की बात करूँ जो भी आप लाइफ इंश्योरेंस के तहत बेचते हैं उसमें किस तरह से आप कमाई का ख्याल रखते हैं और कैसे इन्फ्लेशन को मात देने वाले प्रोडक्ट्स हम खरीद सकते हैं तो उसमें दो टाइप के प्रोडक्ट आते हैं ऑफ लेट इन द लास्ट चार पाँच साल में देर वर दीज गारंटीड रिटर्न काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केट नौ दीज आर एक्सेलेंट प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट एज गुड एज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग सिंपल सा फंडा है आप दस साल के लिए पैसा दीजिए आप फोर्टी एट से फिफ्टी एट तक दीजिए एक साल का मे बी गैप होगा एंड फ्रॉम लाइक फिफ्टी नाइन टू एटी टू यू गेट अ रेगुलर इनकम विच इज कमिंग एंड एट अ सर्टन आय दीज आर गारंटीड प्रोडक्ट्स नौ एंड हमारा एक संचय प्रोडक्ट करके आया था बढ़िया प्रोडक्ट हैं बिकॉज Like I said, you don't need to put all hundred rupees into this. Hmm. Right? Hmm. You may put certain into mutual funds, you may put certain Haan, into bilkul. equity, you may put certain into fixed deposit. So in so, divide? 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 divide so similarly Jab mm hai, -hmm. we invested back into certain long term government bilkul. securities bilkul. which take care of making sure that the customers' money is safe. Hmm. And that is something all insurance companies take care of, especially at GC Life, to make sure that look, the money will come back to you. Hmm. Really, you know, like फर्स्ट थिंग पैसा सेफ है हा? और मेरा पैसा वापस आएगा राइट एंड इवन टर्म राइट कई बार क्या होता है कि मेरे को बड़ा इजिली प्रोडक्ट मिल गया मेरे को तीन दिन में पॉलिसी मिल गई इट इज गुड फ्रॉम सर्विसिंग बट रियली वॉट यू वॉन्ट टू नो है सर दस साल बाद हुँ. हमारी मेरे को कुछ हुआ तो माई फैमिली शुड नॉट रन अराउंड फॉर एक्ट टू मंथ थ्री मंथ सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू एसेस कि आप किससे ले रहे हैं क्या प्रोडक्ट ले रहे हैं क्या आपको प्रॉमिस किया जा रहा है एंड देन यू गो बैक इन इन्वेस्ट दीज प्रोडक्ट्स सो बोथ इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ प्योर टर्म आई थिंक आर इनफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड समी कंपनीज आर देयर हैव लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड्स ऑफ हैविंग डिलीवर दिस कि आपको यू you नो know, इतना बोनस मिलेगा इतना आपको टर्मिनल्स बोनस मिलेगा आपको इतने साल बाद ये पैसा hmm. मिलेगा hmm. और आ, अगर क्लेम आया तो आपको इमिडियटली इतना मिलेगा

Then a lot of people worry, हाँ, right? हर इंसान की रिस्क प्रोफाइल भी बदलती है, जो है। का आप शायद बीस, बीस की में ले सकते हो साठ की उम्र में नहीं ले सकते तो इस तरह से हर तरह के प्रोडक्ट्स तो होने चाहिए क्लेम्स पर आना चाहूंगी मैं क्योंकि भले ही मैं कुछ अनक्लेम्ड उसके बारे में बात करूँ मुद्दों के बारे में बात करूँ जो कि मेरे ख्याल से ओवरऑल आंकड़ा अगर हम तमाम फाइनेंशियल एसिट्स की बात करें तो चार लाख करोड़ के आसपास का है उसमें से इंश्योरेंस को भी एक आंकड़ा दिया गया है बहुत बड़ी वजह इंश्योरेंस को लेकर या मेरे ख्याल से माइंडसेट सेट इशू है हमारे देश में जहाँ पर हम अपने फाइनेंशियल डिस्कशंस डिनर टेबल पर नहीं करते हैं बहुत सारे घरों में पता नहीं होता है कि हमारे पिता की सैलरी कितनी है और वो कहाँ कहाँ निवेश करते हैं Uh, कुछ बुनियादी चीज़ें जो मुझे लगता है कि व्यवहार के तहत देखा जाए तो बदलनी चाहिए और उससे फ़ायदा ये होगा कि अनक्लेम राशि जो कि अगर मैं केवल इंश्योरेंस की बात करूं जो इतनी बड़ी है उसमें हम कमी देखेंगे uh, एक तो ये एक अनक्लेम्ड वाला मुद्दा है जहां पर मैं चाहती हूं कि आप बताएं लोगों को कि नॉमिनीज रखिए और किस तरह से पर्याप्त जानकारी दीजिए अपने परिवारों को और उसके बाद में इंश्योरेंस रिजेक्शन क्लेम्स को लेकर जो होती है उस पर बात करते हैं नहीं, बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया आपने क्योंकि ये इसके दो एस्पेक्ट हैं ये अनक्लेम के एक पहला एस्पेक्ट जो आपने सही बोला कि पीपल ट्राई एंड कीप थिंग्स सीक्रेट राइट और सही भी है सीक्रेट कर... भी या तो बोलते हैं कि अरे इनको समझ में नहीं आता इन्हें मैं समझा कर क्या करूँगा कई बार कई बार घरों में इस तरह का एक माहौल होता है हाँ वो उसमें दो चीज़ें होती हैं क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि अगर सबको सब पता चल गया तो वो फोकस रहेगा बच्चे ठीक से पढ़ेंगे नहीं हाँ. पढ़ेंगे फैमिली you know, में और किसी को हेल्प चाहिए तो वो पैसे मांगेंगे यू नो uh, you know, अगर कल कुछ हो गया बिटवीन द फैमिली पता चल जाएगा कि कितना पैसा था तो उस रीज़न से काफ़ी लोग क्या हैं अपनी तरफ से इन्वेस्ट करते हैं विथ फुल गुड इंटेंट फॉर देयर फैमिली बट अ लॉट ऑफ पीपल समाउ डोंट वॉन्ट टू डिसक्लोज़ कि मेरी फाइनेंशियल होल्डिंग क्या है मैंने कहाँ इन्वेस्ट किया है थिंक दैट नीन्स टू चेंज राइट इट मे नॉट बी द क्वांटम एक हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया था कॉल लिटल बुक ऑफ लेगे अच्छा राइट उसका कॉन्सेप्ट यह था कि आप अपनी जितनी भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो लिस्ट कर दीजिए विथ हु इज योर कंसर्न कॉन्ट्रैक्ट पर्सन इधर एट द बैंक और एट द इंश्योरेंस कंपनी होम यू कैन अप्रोच अच्छा इफ समथिंग वर टू हैपन टू यू

राइट विच इज द अदर थिंग लाइक यू सीन अ लाइफ इंश्योरेंस ऑल दीज आर मॉरबिड टॉपिक्स विच यू पीपल फील कि यू नो कि मेरे को विल क्यों बनाना है बट नाउ इट इस कैचिंग अप मोर देन पीपल रियलाइज दैट वुट इज बेटर टू मेक अ विल एंड इन दैट यू कैन मैंशन सो ये सारी चीजें हैं जो क्लियरली होता है दूसरा एस्पेक्ट विथ टेक्नोलॉजी विथ वॉट इज हैपनिंग ऑन आधार वॉट इज हैिंग ऑन अकाउंट एग्रेटेड इज द प्योर कॉन्टेक्टेबिलिटी ओके राइट सो वाज हैपनिंग है वाज किसी ने डाला एड्रेस चेंज कर दिया एक जगह से दूसरे लोकेशन चले गए आपने अपना हाँ, प्रीपेड नंबर चेंज okay, कर दिया कॉन्टैक्ट नहीं रहा भूल गए इन्वेस्टमेंट किया याद नहीं रहा दस साल बाद कि तीसरा लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स से हमने कहाँ डाला था आई थिंक दैट इज द अदर एफर्ट विथ ऑल इंश्योरेंस कंपनीज एंड फाइनेंशियल कंपनीज़ नीड टू मेक दैट एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम योर आर कनेक्ट एंड योर कॉन्टेक्ट कस्टमर इज हंड्रेड परसेंट तो वॉट आर टेन फिफ्टीन ईयर्स डजेंट रियली अप्लाई नाउ बिकॉज आज की डेट में देखिए सबके पास ई मेल है सबके पास, पास मोबाइल है uh, सबके साथ अपने वेरीफिकेशन किया है रेगुलर सोशल मीडिया में कनेक्ट चलता है तो इट विल ओनली कम डाउन As we go forward. It's in the past where it has got built up, and but now there are a lot of ऑफ डिड्यू which is happening in the system. कि हम देख रहे हैं कि यू you नो know, अगर कोई और लोन ले रहा है अपने पार्टनर बैंक से तो अरे आपका इंश्योरेंस है हाँ. So the constantly जो हमारी सर्विस टीम है वो देख रही है कि हम जो अनक्लेम्ड जो हमारे पास पड़ा है वो आप कैसे कस्टमर तक वापस जाए okay. And ऐसा नहीं है कि द इन्श्योरेंस कंपनीज बेनिफिंग यू नो आफ्टर सम टाइम इट हैज गो बैक इन टू दी सीनियर सिटीजन फंडवर बट रियली द कस्टमर शुड बेनिफिट सो दोनों पहलू के जवाब हैं एक तो यह है कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट जस्ट अबाउट इन्वेस्टिंग द फाइनेंशियल प्लानिंग इज ऑल्सो टू इंक्लूड एवरी वन अराउंड और एटलीस्ट हैव वन ट्रस्टेड पर्सन हु यू आर एबल टू दैट दिस पर्सन विल टेक केयर ऑफ माई फाइनेंसिस फॉर द फैमिली एंड आई थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इतना इन्वेस्ट करके इफ द फैमिली फाइनली डजन बेनिफिट यूर लूजिंग बिल्कुल बिल्कुल आखिरी सवाल क्लेम्स जुड़ा हुआ क्योंकि ये सवाल अधिकतर समय शो पर भी आते रहते हैं जहाँ पर लोगों में बहुत कंसर्न होता है लाइफ uh, इंश्योरेंस में टर्म प्लान को खास तौर से मैं बोल रही हूँ बिकॉज आजकल क्योंकि आपने हाईलाइट भी किया कि लोग रिसर्च बहुत ज़्यादा करते हैं जानकारी उनके पास होती है क्लेम सेटलमेंट रेशियो दरअसल हर उसका चेक किया जाता है लोगों की तरफ से और फिर यही सवाल उठता है कि अच्छा इनकी ज़्यादा है uh, तो इनसे ख़रीदनी चाहिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या किसी और

क्लेम नहीं कर सकते और देर इज एन अर्ली पीरियड ड्यूरिंग विच यू हैव टू वेट देर इज अ वेटिंग पीरियड आफ्टर विच यू विल हैव टू सेटल द क्लेम सो देन फाइनली इट विल गेट प्राइज देन बट रियली देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ कमिटीज फॉर्म इंटरनली एक्सटर्नली यू नो देर इज अ पॉलिसी होल्डर कमेटी देर इज एन एक्सटर्नल पर्सन ऑफ सिट्स ऑन क्लेम्स कमेटी टू से बॉस ये कस्टमर के बेनिफिट में आपने क्लेम क्यों नहीं सेटल किया राइट एंड मोस्ट इफ यू लुक एट ग्रुप्स इट इज लाइक नाइनटी नाइन पॉइंट फोर नाइन पॉइंट एट इवन इन इंडिविजुअल बिजनेस एवरीबडी होवर्स अराउंड नाइन सेवन विच इज देर सो दन और टू परसेंट विच है आइडिया इज टू ब्रिंग इट डाउन टू एज स्लो एज पॉसिबल इट इज नॉट इम्पॉसिबल इफ एवरीथिंग इज राइट दन एट द इंसेप्शन विच इज वॉट यू सेम की यू नो हम भी कभी कोई पॉलिसी लेते हैं वन थिंग इज टू से ये डिस्कलोज नहीं करो कि हम स्मोक करते हैं हम ये नहीं करते राइट है द अदर थिंग इज तो सेम कि बॉस आपको जो अभी चाहिए आप ले लो बाद में कलेम मत करना

as well as the transparency of the products is increasing, increasing. and secondly the products are becoming simpler to understand hmm. right so hmm. if claims or, or, uh, and really we're in the business of paying claims hmm. right and and all of us are not here to say that we claim reject, claim ah. uh, you know we made money I, I don't think that is ever the objective hmm. hmm. in fact our objective is to say ki, can it be instant online Sure. You reached a stage saying कि was claim वा, wa. and as and how technology progresses, let's say death claim registry आए, hmm. systems will be inbuilt, right? And over a period of time, and all of it gets integrated, you will find that this will become more and more seamless. कोई समय बहुत कम है मेरे पास सवाल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। धन्यवाद आपका शिरकत करने के लिए। Thank you दोबारा।